ये जो लव रिलेशन है मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर ताल्लुक भी कायम नहीं होता। मेरे शौहर ने मुझे घसीटा और मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसके बाद मैं तकलीफ से तड़पने लगी तो वो लोग देखने लगे। न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो परचेज करते हैं या चोरी करते हैं या ले आते हैं वो फिर आगे जिसको आप कहते हैं होता है वो किसी ना किसी का तो बच्चा होता है। शायद वो इंतजार कर रहे थे कि मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊँ। अब हमें जिंदा बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं। नाले के अंदर से मिला था और थैली के अंदर बंद था। वो नौजवान नस्ल है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि ना वो अपने आप को हमसे रिलेट कर पाते ना ही वो अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से रिलेट कर पाते। और मैं इस वक्त 37 साल की हूँ। 30 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। पहले तो रिश्ते आते नहीं थे, फिर शादी होने में बड़ी मुश्किल आई, फिर जब शादी हुई तो ऐसे शख्स से हुई जो कि पढ़ा लिखा था और उसका अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस था। शादी के तकरीबन 6 महीने के बाद मेरी सास को मैंने बताया और वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने ये सुन के बहुत बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि हमारे यहाँ बेटा ही होगा इंशाल्लाह। एक दिन हम बात कर रहे थे, मैंने उससे कहा कि आप अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो बेटा होगा, तो अगर बेटी हुई तो। उस शख्स ने मेरे मुंह पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्ला के कहने लगा, बगैरत औरत, आइंदा ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कम कपल हैं ऐसे जो बेटी के पैदाइश पे खुश होते हैं। पता चल गया कि जी आपने लड़की कंसीव की है तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि जी आप इसको अबॉर्ट कर दें। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे पता लग जाए कि ये जो होने वाला बच्चा है ये लड़की है, तो बाज़ औरतों की ख्वाहिश होती है कि उस हमल को ज़ाया कर दिया जाए। वो जो मेंटेलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगर मैंने लड़की कंसीव कर ली है या मेरी बेटी हो जाएगी तो वो मेरे लिए एक बोझ है, एक बर्डन है, तो उसको कैरी करके उसको 9 मंथ्स बाद डिलीवर करने के बाद ये सारी तकलीफ उठाने से बेहतर है कि मैं इसको अबॉर्ट कर दूँ। समाज में एक बात है, भाई बेटा चाहिए तो ये एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं दे सकता आपको, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 30-35% कपल ऐसे होते हैं जो शायद सोचते हैं कि यार इस हमल को ज़ाया करा लिया जाए। मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आमतौर पर अगर कपल आता है तो ये कहता है कि देखें हमारे पास तो 6 बेटियाँ पहले से हैं, हम तो बेटे की कोशिश कर रहे थे। हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये केसेस भी देखे हैं जहाँ पे पहली लड़की हुई है और वो उसको भी अडॉप्शन के लिए देने को तैयार है। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जी अबॉर्ट कर दिया जाए, अबॉर्ट नहीं हो सका, माँ मारने की हिम्मत नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको अडॉप्शन के लिए ले लें, हमें ये लड़की घर के अंदर नहीं चाहिए। खानदानी मनसूबाबंदी का भी चक्कर है, कुछ तो ये कहते हैं हमारे 11 बच्चे पहले से हैं और गलती से बच्चा हो गया है, इसका कुछ करें। बाद आते हैं कि हमारे ख़ानदान में अगर बेटी पैदा हो जाए तो पहली प्रेगनेंसी में तो अच्छा नहीं रहता है, हम चाहते हैं कि पहला हमारा बेटा हो जाए, इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। डॉक्टर ने मुझे स्कैन लिख के दिया और जब स्कैन के लिए मेरे शौहर और मेरी जो सास थी वो साथ गए थे, वहाँ जाके इसने पता किया तो जब मैं हम लोग घर पे वापस आए तो उसने कहा कि इस डॉक्टर से बात करो और इस बच्ची को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि लड़की है। फिर ये हुआ कि मेरी सास जो थी वो डॉक्टर के पास आई, उन्होंने बात की लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया उनको। कुछ देर के बाद मेरी सास मुझे आई, आवाज़ दी उन्होंने बड़ी ज़ोर से और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बुला के बहुत ज़ोर से धक्का दिया। उसके बाद फिर मेरे शौहर ने मुझे घसीटा और मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसके बाद मैं तकलीफ़ से तड़पने लगी तो वो लोग देखने लगे। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं यहाँ पर ख़त्म हो जाऊँ, ये बच्चा ख़त्म हो जाए। फिर जब मेरे बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और मैं बिल्कुल हवास खोने लगी तो फिर मेरे शौहर ने मुझे उठाया और उठा के जो है वो करीब के हॉस्पिटल में ले गया। जब मुझे होश आया तो उस वक्त मुझे पता चला कि जो बच्ची थी वो दुनिया में नहीं रही थी। जो
एक बच्ची का कत्ल होता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 दिन 2 दिन की बच्चियाँ, मुझे नहीं याद कि आप में से कितने लोगों को वो वाक्या याद होगा जिसमें कराची में ये हुआ कि जी 2 दिन की बच्ची जो है वो कूड़े में से मिली और वो रोई तो किसी को पता चला कि जी यहाँ पर बच्ची जो है वो किसी ने फेंक दी है। पहला बच्चा मुझे जो मिला था नाले के अंदर से मिला था और थैली के अंदर बंद था, वो अल्लाह ने उसकी रूह को बचाना था तो किसी पड़ोसी ने देखा और हमें कॉल किया और हम जा करके उसको लेके आए। तो जब लेके आए तो उसका पाँव भी फ्रैक्चर था, हाथ भी फ्रैक्चर था, खैर उसका ट्रीटमेंट करवाया। एक बड़ी वजह ये थी कि जिस घरानों में बाज़ औक़ात 7-7, 8-8 लड़कियां पहले ही पैदा हुई भी होती थी तो वो मना करते थे कि अब लड़की पैदा करो तो नहीं लेकर आना। तो ये रुझान हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा था और आज भी मौजूद है। हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो अमूमन एनजीओस के ज़रिए होते हैं, जिसमें ईदी हो गया, छिपा हो गया, या डिफरेंट जो शेल्टर होम्स लोग सिविल सोसाइटी खुद चला रही है, एनजीओस खुद चला रही है, वहाँ से हमें ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। वहाँ हमें पता चलता है, अगर हम कराची के डेटा की बात करते हैं तो 2018 से 2019 के अंदर 375 केस रिपोर्ट हुए। 375 के अंदर आपको देखने में आता है कि 372 केस के अंदर बच्चियाँ थीं जिनको मार दिया गया, डम कर दिया गया या फिर उनको मुख्तलिफ झूलों में या मुख्तलिफ शेल्टर होम्स में छोड़ दिया गया। जो बच्चे हमें मिलते थे उसमें 95% लड़कियाँ हैं। अब हमें जिंदा बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं, अब हमें मरे हुए मिल रहे हैं। हर महीने 20-25 तो हमें ही मिलते हैं सिर्फ कराची में, पूरे मुल्क में अगर आप करेंगे तो इसको आप 3 से 4 गुना ज़्यादा कर लें। उसकी वजह यह है कि वो इमेच्योर होते हैं, जब पहले ही जो है वो देख लेते हैं ना कि लड़की है, तो इस वजह से जो है ये हमें फिर फेंके हुए बच्चे मिलते हैं कचरे कचरा कंडियों में, ढेर पे, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे झाड़ियों से। अच्छा, अब ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ये भी सोचा जा सकता है कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी दफन हैं जिनको अभी तक निकाला ही नहीं जा सका, पता ही नहीं चला कि वो भी वहाँ पर दफन कर दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कूड़े करकट से भी आपको बच्चियाँ मिलती हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा कारोबार भी निकल लिया है, ये भी मैं आपको बताऊं। गरीब इलाकों के अंदर ऐसे, मैं डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, वो जो जाली डॉक्टर होते हैं वो बैठी हुई हैं, अमूमन लेडी डॉक्टर हैं ये, और इलाके की ऐसी औरतों को जब वो आती हैं तो उनसे वो बच्चे ले लेती हैं, 40-50 हज़ार रुपये देती हैं, आगे वो लाखों रुपये के अंदर जो है ना फिर सेल कर रही होती हैं फैमिलीज़ को। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक लेडी है जो इनका एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जो नो मौलूद बिल्कुल न्यू बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो परचेज़ करते हैं या चोरी करते हैं या ले आते हैं, वो फिर आगे सेल करते हैं। तो उसी पर जाकर हमने एक औरत को पकड़ा जिससे हमें एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल हमने रिकवर की। तो जब हमने उसको इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि मैं ये बच्चा नवाब से ठट्ठा से लेकर आई हूँ 150-1.5 लाख रुपये में, और आगे मैं इसको सेल करना चाह रही थी। उससे पहले भी वो 6 से 7 बच्चे पहले भी इस तरह लेके सेल कर चुकी है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कभी वो बच्चे जायज़ भी होते हैं, नाजायज़ भी होते हैं, बट ये एक ग्रोह है जिनका काम ही ये बच्चे लेते हैं, कभी कभार ये समटाइम्स अगवा भी करते हैं। उसके बाद फिर जब हम घर पे वापस आए तो उस शख्स ने 2-3 दिन का इंतज़ार किया और उसके बाद फिर मुझे तलाक दे दी। जब मैं अपने घर पर वापस आई तो मेरे माँ बाप ने मुझे रखने से इनकार किया, उनको लगा कि अब ये बोझ, अब स्टेटस चेंज हो गया इसका, अब हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये दूसरों के लिए मसला पैदा करेगी। वो ही नहीं देखते बिल्कुल बेटी के लिए, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना माँ बाप का दिल के माँ बाप कब सोचते। हमारे मुल्क में हमें ये नहीं पता है कि कितनी लड़कियाँ और लड़के बग़ैर शादी के ताल्लुकात रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि साथ रहते भी नहीं हैं लेकिन ताल्लुकात हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है। पहले इतना नहीं था, पहले ये हमारे यहाँ लिमिटेड एक्सेस थी, मुलाकातें कम होती थी, अब जो है वो 24 घंटे मुलाकातें रहती हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो उसकी वजह से भी जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न, शादी से हट के जो बच्चे पैदा होते हैं वो बढ़ गए हैं। ये जो लव रिलेशन है मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर ताल्लुक भी कायम नहीं होता, और ये जिन चीज़ों के नतीजे में हम औलादों को पैदा करते हैं वो ताल्लुक नहीं होता, वो मोहब्बतों का उरूज होता है, वो निकाह के बगैर हो नहीं सकता, वो पाकीज़गी के बगैर आगे चल नहीं सकता। जिंदगी के 34 साल इधर सर्फ किए तो अगले का मुँह जो है ना बात में खुलता है, उसके अल्फाज हमें पहले पता होते हैं कि अब क्या जवाब देगा हमें। तो ये हमारा अपना भी एक तजुर्बा है, लेकिन नॉर्मली आते हैं माँ बाप से भी बच्चे, हाँ ज़्यादातर तादाद ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप से हुए बच्चे होते हैं। सिंस मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ तो मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम ऐसी लड़कियों की बात करें जो 20-22-24 साल की उम्र में या 18-20 साल की उम्र में भी अपने घर से निकलती हैं और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो ये केसेज़ हमारे यहाँ
विद एवरी डे इस स्पीड से बढ़ रहे हैं कि आप और मैं शायद सोच नहीं सकते। मेरे आसपास मेरे जो शेल्टर में बच्चे होते हैं उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, उसमें इन चीज़ों के बच्चे भी आते हैं जो रिलेशनशिप जो हम लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हर इलाके में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। देखिए हम यूरोप अमेरिका में नहीं रह रहे लेकिन कल्चर हमने वही अपनाया हुआ है, तो जब कल्चर वही अपनाएंगे तो ये सब चीज़ें मौजूद होंगी। तो समवॉट हमारे जो नए बच्चे हैं या जो नई नौजवान नस्ल है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि ना वो अपने आप को हमसे रिलेट कर पाते हैं, हमारे कल्चर से रिलेट कर पाते हैं, ना ही वो अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से रिलेट कर पाते हैं। सो ये एक बड़ी वजह है लिव इन रिलेशनशिप की ऐसी प्रैक्टिसेस की जिसको हम रिलीजियसली या सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। सो अब अगर उसके नतीजे में कोई बच्चा जो है वजूद में आया है, दूसरे मायने में ये कहा जाए जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास वो किसी ना किसी का तो बच्चा होता है, समाज उसको देता है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा सिंपल सा सलूशन होता है ना कि भाई लड़की को या तो घर से निकाल दो। तो वो हमारे साथ हुआ क्या है, वो एक बचपन से सुनती आई मिसाल है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी खो बैठा। तो हमारी कौम के साथ वो हो गया जिसकी वजह से ही बच्चे आपको सुनने में आता है कि फेंक दिए, मार दिए, छत से फेंक दिए, कचरे कुंडी में फेंक दिए, जानवरों ने खा दिए। अगेन हमने वेस्टर्न से कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया लेकिन हमने उनकी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की, हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट नहीं की। वहाँ पर बच्चा चाहे आउट ऑफ वेडलॉक आए, चाहे वेडलॉक के नतीजे में आए, और उसकी कोई भी जेंडर हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी मेडिकल की, उसकी एजुकेशन की। सो पेरेंट्स के लिए तो उस एक तो वो जो एक वो स्टिग्मा है कि जी हमारी बच्ची बगैर शादीशुदा थी और इसका बच्चा हो रहा है, तो उसको कैसे वो कवर अप करेंगे कि हमारे बच्चे और बच्ची अगर इज्जत के मतलब को नहीं समझेंगे, रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप को ये इतनी आम सी टर्मिनोलॉजी बना के फिर उसको अपना हक समझेंगे, फिर अगर माँ बाप समझाएँ या हमारे जैसे लोग समझाएँ तो हमें अपना दुश्मन समझेंगे। तो फिर यही होता है ना कि मुझे औलादों को गोद में लेके बैठ कर ही सारी बातें करनी पड़ती हैं कि बेटा अपने आप को बचाओ। तालीम देनी चाहिए लोगों को कि बच्चे को मारना, किसी भी तरह के बच्चे को मारना जुल्म है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो बच्चा है यार, अब वो आउट ऑफ वेडलॉक हो या शादी के साथ हो, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। एक इंसान जिसको कुदरत ने ज़िंदगी दे दी उसके फिर बुनियादी हकूक हैं, उसको आप सल्ब नहीं कर सकते, उसको आप भेंक नहीं सकते, उसको आप मार नहीं सकते।